आईडी का नया है जो न्यू कस्टमर पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में आपको इसकी जितने भी फंक्शन है मैं बताता चाहूँगा गाड़ी के बारे में, इसमें कौन कौन से फीचर रखे गए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी गाड़ी की नस्बत इसमें बेहतर है सुजुकी ब्रांड में, तो आइए मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ इसका। ये इंजन हो गया, इसका इंटीरियर हो गया, ये इसका पावर स्टीयरिंग हो गया, ठीक है। ये आ जाए इसमें जो डोर्स में चेंजिंग की गई है बाकी गाड़ी के मुकाबले में, इसका डोर जो है लेफ्ट साइड डोर जो है यहाँ पे ये चेक कर लिया। उसके बाद इसमें एक जो एडजस्ट ब्रेक भी है, ये है GLX CVT, बहुत ही अच्छा लोगों प्यारे तरीके से बनाया गया, और लाइटिंग की जो शाइनिंग है वो बहुत प्यारे। वाइपर रेयर वाइपर रखा गया है इसके अंदर, इसके अंदर पीछे सेंसर लगाए गए हैं ताकि जब आप गाड़ी को पीछे करने लगते हैं तो वो एक आरामदेह बनाया जा सके ताकि कोई आपको डिटेक्ट करने के लिए ये मसला ना हो। ये इसका फ्यूल कैप हो गया, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाया गया। ये इसके टायर हो गए, ये भाई डोर्स हैंडल हो गए इसके, ये इसका एक छोटा सा बटन लगाया गया है जो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल हो सकता है दरवाजे की। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये कंसोल हो गया इसका, यानी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं हमारी इसमें डालने के लिए हम काम कर सकते हैं, ये इसकी चीज़ें हो गई यहाँ पर, गिलास वगैरह या फिर सामान वगैरह के लिए, ये अप डाउन के लिए अंदर से। साइड व्यू मिरर जो है इसके आउटलुक बहुत प्यारी बनाई गई है, और इसके ऊपर लाइटिंग लगाई गई है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलती है। ये इससे बेहतर हो मजीद आप इसी इंजन की शेप भी बात होंगे, इसी इंजन की शेप भी सुना। इंजन की शेप में आपको बताता हूँ, ये इसकी इंजन की शेप होती है, इंजन की शेप में ये है कि यानी बैटरी रखी गई है इसके ऊपर, एक कवर टाइप जो बनाना होता था वो टाइप इसके ऊपर बना हुआ है। ये इसका एयर फिल्टर हो गया, ये इंजन हो गया, यानी 1300 सीसी इंजन है इसका 1.3। तो ये इसके अंदर PCU लगाया गया, ये इसके ऊपर हो गया फ्यूज बक्सा हो गया इसका लगाया गया, ये शावर हो गया वाइपर वाले, ये बहुत ही एक प्यारी सी शील लगाई गई है ताकि इसको जो हीट है इसकी इंजन की ड्यूरिंग ड्राइविंग हीट हो जाती है तो ये हीट को डिटेक्ट करने के लिए ताकि मजीद गाड़ी गर्म ना हो और हीट होने से बचाने के लिए। बाकी मैं इसका अंदर से आप दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह। इसका जो स्टीयरिंग बनाया गया पावर स्टीयरिंग लगाया गया, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल लगाया गया है जिससे ये आप जब ऑडियो की ऑन करते हैं अपनी, ये हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। इसमें बहुत ही प्यारी सी एक LCD लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं, इसमें सिम कार्ड भी लग सकता है। उसके बाद रीसेट का बटन ऑन ऑफ, ये इसका होम हो गया, होम पेज बहुत प्यारा बनाया गया है। ये यहाँ पर हम AC की अप डाउन, AC की नाव ऑन ऑफ, ये चीज़ें हो गई। ये इसका क्रूज कंट्रोल हो गया, ये इसका मूड हो गया, और ये विदाउट हैंड फ्री जब इसको हम कर सकते हैं, और ये इसका हम इसका ये भी है कि हैंडल को हम अप डाउन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, ये हो गया। उसके बाद इसका एक बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले इसका बनाया गया है जो कि बहुत ही बहुत कमाल का डिस्प्ले इसका बनाया गया है। ये एक स्पोर्ट्स गाड़ी बनाई गई है, ये हम ये देख सकते हैं यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा शीशा भी लगाया गया है, ये लाइट्स इसकी हो गई, ये हो गया, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है ताकि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं। ये इसका रूफ मिरर, ये उसके ऊपर हैंडल लगाए गए हैं यहाँ से पकड़ने के लिए, ठीक है। ये इसके AC फंक्शनिंग लगाई गई है सारी, ये हमारा पार्किंग का हो गया जब हम पार्किंग करने लगते हैं गाड़ी को। ये इसकी डोर्स की जो एडजस्टमेंट है यानी अप डाउन सारी, ये सारी।